जब भी यूथ कांग्रेस का चर्चा होते थे मध्य प्रदेश का दौरा का, हमेशा बालाघाट के बारे में चर्चा हुआ है। मैं पहली बार आज बालाघाट आया हूं, आज आप लोग के बीच में आके आप सबको मिलने को मौका मिला और सबसे बात करने को, और इस कठिन समय में जो इस कोरोना महामारी में पूरा देश का लोग जो किस तरीके के परेशान है और संकट में है और आतंक में है, जो सत्ता वाले लोग अपने अपना सुरक्षा लेके घर में तीन तीन मास्क पहन के आराम से घर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे रहो। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस देश का जनता, मध्य प्रदेश का जनता के साथ और इस बालाघाट के जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और इस कार्यक्रम में ईना कावड़े जी, संजय भैया जी, पुष्प बिजन जी, विश्वेश्वर भगत जी, रहीम खान जी, राजेश सोनी जी और भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव भैया पवार जी और भारतीय युवा कांग्रेस का सचिव भाई बंटी शेलके जी और इस जोन का मध्य प्रदेश का भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यदर्शी इंचार्ज अंकित डेढ़ा जी और एक मध्य प्रदेश का प्रभारी भारतीय युवा कांग्रेस का सचिव शेष नारायण ओझा जी, तब्रेश पटेल जी, ओपेल जी, दयाल जी, संदीप तिवारी जी, आकाश कांडवे जी, विकास मिश्रा जी, रंजीत बैस जी, प्रशांत, जितिन मारवे जी, जतिन राज जी, अभिषेक परमार जी, नदीम पटेल जी, श्रुति पाटिल जी और मध्य प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जुजारू मेरे भाई, लगातार अध्यक्ष बनने के बाद पूरा मध्य प्रदेश में लगातार हर कोने पे घूम के सब पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं भाई डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। और इस कार्यक्रम में बुला के आप लोग के बीच में दो बात रखने को मौका दिया, हमेशा दिल्ली में प्रोग्राम हो कहीं भी हो, भारतीय युवा कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला के हमेशा पार्टी को मजबूत करना और कांग्रेस पार्टी का झंडा को बुलंद करने में लगे रहते। नितिन बोझ जी, विपिन मिश्रा जी और तमाम साथी लोग हैं, इमरान मंसूरी जी, जिला अध्यक्ष, सारे विधानसभा अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता लोग, मैं इस मंच से राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे परिवार से कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, एक साधारण परिवार से आता हूं, एक कार्यकर्ता को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका दिया, इतनी बड़े जिम्मेवारी सोच नहीं सकते भारतीय युवा कांग्रेस, इतनी बड़े जिम्मेवारी मेरे को दिया, मौका दिया काम करने को, और मेरे साथ पूरा सभी प्रदेश का अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर सब लोग मिलके लगातार कांग्रेस पार्टी का जो भी गाइडलाइंस है और महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी को लेके लगातार हम लोग ने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी लोग ने बोला श्रीनिवास जी ने वो किया, श्रीनिवास जी ने ये किया, ये श्रीनिवास जी नहीं किया है, राहुल गांधी जी का आदेश और सही समय में हम लोग को बताया। भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने पूरा देश भर मिलकर किया है,
ये श्रेय सारे कार्यकर्ता को जाना चाहिए, ये एक व्यक्ति को नहीं है। मैं एक माध्यम बन के काम किया है आप सब लोग के साथ मिलके। मैं आज भी याद है वे वन आया मार्च फर्स्ट तारीख को मेरे को 2020 मार्च फर्स्ट को राहुल गांधी जी का आदेश आया वे वन पर। श्रीनी जी पूरा देश में आप संदेश दो, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम मत करो, जो ये कोरोना महामारी आने वाला है लोगों को सेवा करना है। जो आदेश दिया उस समय में लगातार जो लोग किस तरीके के परेशान था, जो अनप्लान लॉकडाउन किया ये सरकार ने, जो माइग्रेंट लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार असम का लोग किस तरीके के हजारों किलोमीटर पैदल निकले हम सब देखा है। उस समय में भी सरकार मध्य प्रदेश के ने इस कांग्रेस सरकार को गिरा के अपने सरकार बनाने में लगे थे, कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो किसी को मदद पे नहीं आया। तब भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सब लोग मिलकर लोगों को सेवा करने का काम किया। मार्च 7 तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकारी जो मीटिंग था दिल्ली में 2021 उस कार्यकारी में राहुल गांधी जी खुद आए हम लोग के बीच में, 4 घंटा लगातार हम लोग के बीच में समय दिया। और उस कार्यकारी में हमेशा आने वाले 6 महीने भारतीय युवा कांग्रेस क्या काम करते हैं उसमें हम लोग ने तय करते हैं। उसमें राहुल गांधी जी क्लियर बोला कोई राजनीतिक प्रोग्राम आप लोग दोबारा बंद कर दो, वेव 2 आने वाले हैं उसमें लोगों को मदद करने का काम आप सब लोग को करना है। राहुल गांधी जी ने आदेश दिया, हम सब लोग ने रेजोल्यूशन पास किया, सारे प्रदेश अध्यक्ष सारे नेशनल ऑफिस बेरर 1000 लोगों का पूरा देश भर जो कोरोना वॉरियर्स का टीम बनाया, जो किस तरीके के लोग का जो परेशान था, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, किसी को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रहा था, ऐसे समय में सारे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना सुरक्षा छोड़ के पूरा देश का जनता को मदद करने का काम किया। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्यों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई गांव हो वहां से कहीं मदद के लिए किसी ने हमारा पास कांटेक्ट किया, आधे घंटे में मुश्किल से 1 घंटे में उनको मदद करने का काम भारतीय युवा कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता ने किया। ये कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का परंपरा है लोगों को मदद करना, हम हमेशा करते आए हैं, हम करते रहेंगे। जो भाजपा वाले लोग आरोप लगाने का नाम चेंज करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, वो लोग नाम चेंज करना आरोप लगाना, वो लोग को आरोप करने को हमने दे दिए, वो लोग आरोप करते रहे, हम लोग काम करेंगे। और लोग क्यों मरा है ये बिल्कुल आप लोग को समझना जरूरी है, कोरोना से कोई नहीं मरा है, इन लोग ने जो मिसमैनेजमेंट किया, सही समय में किसी को ऑक्सीजन बेड मिल जाता था कोई मरता नहीं था, सही समय पे आईसीयू वेंटिलेटर बेड मिलता था कोई मरते नहीं थे, सही समय में इंजेक्शन मिलता था कोई मरते नहीं थे, और वैक्सीनेशन मिलता था कोई मरता नहीं। भारत देश पूरा दुनिया में नंबर 2 है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, फिर भी आप बिना ऑक्सीजन के वजह से लोग किस तरीके के मरा आप लोग भी देखा है। वैक्सीनेशन को पूरा एक्सपोर्ट करने का काम किया इन लोग ने, जो यहाँ का लोग के बारे में सोचा नहीं है, विश्व गुरु बनने के चक्कर पे यहाँ का जो इंजेक्शन था वहां भेज दिया बाहर, यहाँ का जो वैक्सीनेशन था वो भी भेज दिया। अभी इन लोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है December 31st तक पूरा देश में वैक्सीनेशन लगाता है करके, नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, जो वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस नहीं किया, किस तरीके के इन लोग लगाते हैं आप सोच सकते हैं। इन लोग को झूठ बोलने के अलावा कुछ आते नहीं है,
इस देश को बचाना है, इस देश का युवा, इस देश का महिला, किसान, सभी वर्ग, सभी समाज को कोई बचाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी बचाएगा। जो विजनरी लीडर है इस देश को बचाएगा वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में इस देश को बचाने का काम करेंगे और इस डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेंगे हम सब लोग मिलके। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत देर से वेट कर रहा है ये कार्यक्रम भी स्टार्ट करना, वो बारिश का भी मौसम लग रहा है। मैं यही कह के मेरा बात को समाप्त कर रहा हूँ और आप सब लोग को सोचना चाहिए, जो इन लोग ने मिसमैनेजमेंट के वजह से जो भी जो डेथ हुआ है उसका कारण शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी है। इन लोग के मिसमैनेजमेंट के वजह से लोग मरा है। ये हम लोग कांग्रेस सरकार होता था ऐसा कभी होने नहीं देते थे। या वैक्सीनेशन के लिए पैसे मांग रहा इन लोग ने 1200-1300 कहां से देगा लोग, गरीब मजदूर लोग। इन लोग ने उसमें भी मोबाइल ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला। समय समय पे राहुल गांधी जी ने इनको तो समझाया। अभी राहुल गांधी जी जो भी ट्विटर पे लगा के इनको समझा रहे और प्रेस मीट में बता रहे वही काम इन लोग ने इम्प्लीमेंट कर रहे। ये कॉपी करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हम सब लोग एक एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये कोरोना महामारी है वेव 3 आएगा करके जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हम सब लोग आम जनता के साथ खड़े रहना। उनके जो भी परेशानी हो, उनके कोई दुख हो, उनके साथ खड़े रह के उनको मदद करने का काम करेंगे और सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम को हम सब थोड़ा दिन उसको साइड पे रख के दिल से उनको सेवा करने का काम करेंगे। और सब लोग आए इधर, मेरे को दो बात रखने को मौका दिया मेरे भाई हमेशा नितिन बोझ, हमेशा दिल्ली प्रोग्राम हो कहीं भी हो मेरे को फोन करके पूछते हैं, भैया दिल्ली में कब है प्रोग्राम, यहाँ से बालाघाट से कितने लोग आएगा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम, किसान आंदोलन में भी या बालाघाट से बहुत तमाम लोग आए उस आंदोलन में, किसान को साथ देने का काम किया। आप सबको धन्यवाद बोल के मेरा दो बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।